अभी ये प्योर, मतलब कि एक भी प्लांट मैं इसका एक्स्ट्रा नहीं बनाया हूँ। ये देखिए कितना ये लाजवाब है, कितना सुंदर दृश्य है। और सोचिए कि अगर ऐसा प्लांट मेरे पास अगर 50-100 हो जाए, खिल जाए इस छत पर पूरे, तो कितना मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं कि आपको देख, मतलब क्योंकि लोगों को पर्पल कलर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पल कलर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन में रहे। तो देखिए मैं फूल खोल दिया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर में है या नहीं है, ये तो आप ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बबलू डेन में स्वागत है आपका। और आप देख सकते हैं कि मैं 6 इंच के पोट में एडेनियम को अपने मतलब स्टैंड नुमा रखा हूँ छत के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि कितना ये सुंदर दिख रहा है। और चलिए मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगा कि ये इतना ऐसा लुक कैसे बना और इसका पीछे का राज क्या है। और ये इतने अच्छे कंडीशन में है कि वो मतलब जस्ट मतलब देखिएगा, तो आपको धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि ये कितना मतलब बोनसाई का दृश्य दिख है सर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब अच्छा दृश्य है। और मैं धीरे धीरे आपको एक एक प्लांट को मतलब दिखाते चला गया। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये इतने सुंदर ढंग से मैं रखा हूँ। और ये कौन सा प्लांट है इसके बारे में आप जान लीजिए। पहले तो आप नज़दीक से देख लीजिए कि ये जो भी प्लांट है मतलब देखने में भी सुंदर है, कोडेक्स भी अच्छा है। और ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा घना है। आप देख सकते हैं एक एक प्लांट, जैसे दूर से देखते तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं पास नज़दीक से लेके जा रहा हूँ और नज़दीक से दिखाऊंगा तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब कोडेक्स भी अच्छा है। और ये देखिए धान का वो भूसी हो गया मतलब, और थोड़ा सा मिट्टी जो पुराना मिट्टी है वही अब मिला के मैं सभी में एक ही समान किया हूँ। और ये वही प्लांट है जो मैं सीड ग्रो प्लांट में जो कलर वाले रखे थे, जो इसे रेड हो गया और सिंगल पेटल हो गया, रोजी वैरायटी हो गया, सब इसी में मिक्स है। और मैं गार्डन से अपने घर पर लाके ये शिफ्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मैं इसको इतना कम हाइट में काटा हूँ, जैसे कि मैं आपको एक प्लांट दिखा दिया। और देख सकते हैं कि मैं इसको इतना कम हाइट में किया हूँ, बहुत ही मतलब कम हाइट में किया हूँ, इसलिए कि ये जब ये बड़े हो तो बोनसाई का लुक दिखे। और अभी बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, देखिए सभी का पत्ती भी मतलब हिल रहा है। तो कहने का मतलब कि जो भी बोनसाई होते हैं एडेनियम का, जो भी बोनसाई होते हैं वो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्लांट है। और हम यहाँ से लेके आपको यहाँ तक मैं दिखा दिया, और थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बिंग हुआ कि मैं थोड़ा देर के लिए कहीं चला गया और फिर से दोबारा वीडियो बन रहा है। तो कहने का मतलब कि आप जितना भी बोनसाई का प्लांट होता है, एडेनियम बोनसाई का प्लांट होता है, मैं ये इस प्लांट को देखिए मैं पहली बार अपने घर पर रूट स्टॉक यानी कि सीड ग्रो प्लांट को, वो भी कम से कम काउंटिंग तो नहीं किया हूँ, लगभग 50 या 30 तक तो कम से कम हो ही सकता है। आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेके और यहाँ तक लगभग 30 प्लांट हो सकता है। और ये सभी सीड ग्रो प्लांट हैं और अच्छे कलर वाले हैं, यानी कि रोजी रेड कलर का रोजी हो गया या सिंगल पेटल का रोजी हो गया, तो बहुत ही ये मेरे पसंद के कलर वाले हैं। और कुछ कुछ सिंगल पेटल भी हैं, कुछ हल्का डिस मतलब बाई कलर में जो भी। तो ये सारे प्लांट मैं अपने मतलब कलेक्शन में रखा हूँ। और ये कहने का मतलब कि ये सीड ग्रो प्लांट इतना अच्छा लुक हमें दिख रहा है कि ये कम से कम रोजी वैरायटी और जो ग्राफ्टेड प्लांट है उससे भी बेहतर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी नीचे देखिएगा तो मेरा सभी ये प्लांट मतलब ग्राफ्टेड वाले हैं, लेकिन इनका लुक देखने में और आप इनका लुक देखने में मतलब बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि अपने प्लांट को मैं प्रूनिंग नहीं किया था, जबकि इस प्लांट को मैं बहुत ही कम हाइट में यानी कि बहुत ही हार्ड प्रूनिंग किया हूँ। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है।
और कभी भी हार्ट पुडिंग करना चाहिए तो बड़े बड़े प्लांट में हार्ट पुडिंग नहीं करना चाहिए। तो सर जो रूट स्टॉक हो गया अपना एक भी मतलब 6 इंच का, उसका तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो कोई भी देखिएगा मैं 6 इंच या 5 इंच के हाइट में प्रूनिंग किया हूँ और ये बहुत ही अच्छे बोनसाई, और ये देखिएगा जैसे ही बड़े होंगे डेवलप होंगे और भी इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा और सभी ये बहुत अच्छेदार मतलब बहुत ही मज़ेदार प्लांट होंगे। और जब भी फूल खिलेंगे तो मैं इसके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मतलब इसमें इसमें कौन कौन सा मैं फूल रखा हूं, कौन कौन सा मतलब कलर वाले रखा हूं, सब आपको दिखेगा। और चलिए मैं कुछ अपने प्लांट को कुछ रेयर प्लांट दिखा दे रहा हूं कि कौन सा प्लांट मेरे पास रेयर है अवेलेबल है, या जो भी पर्पल ब्लू है जो भी, मतलब बहुत लोगों को पर्पल या ब्लू पसंद होता है मतलब अच्छे अच्छे कलर। तो चलिए अब देखिए फूल तो खैर थोड़ा सा धूप से ख़राब हो गया है, लेकिन ये है आपका मेरा SP वॉयलेट, यानी कि ये पर्पल कलर में आता था और बहुत ही अच्छा कलर है। अभी देख सकते अभी भी आपको देखने में पर्पल ही दिखेगा। और आप चलिए दूसरे सेकंड में चलिए आपको ये दिखाता हूँ कि ये मेरा प्योर सिंगल मतलब ये डबल पेटल रोजी वैरायटी है। और अभी ये प्योर मतलब कि एक भी प्लांट मैं इसका एक्स्ट्रा नहीं बनाया हूँ। ये देखिए कितना ये लाजवाब है, कितना सुंदर दृश्य है। और सोचिए कि अगर ऐसा प्लांट मेरे पास अगर 50-100 हो जाए, खिल जाए छत पर पूरे, तो कितना मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं कि आपको देख मतलब कितना कितना भी तारीफ किया जाए ये तारीफ से कम नहीं होगा, यानी कि इसका जो भी तारीफ चीज़ है ये कम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा दृश्य है। तो ये प्लांट हमें भेजे थे बलविनी कुमार लाल ने, और मतलब उनका मैं थैंक यू शुक्रिया करता हूँ कि मुझे भी अपने फ्रेंड लिस्ट में वो रखे हुए हैं। और कभी भी हमको मेरे फ्रेंड मनीष को भी कुछ प्लांट भेजते हैं तो हमें भी कुछ प्लांट भेजते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे वो मतलब पैसे की बात या जो भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उनके थ्रू ही हमें ये मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर प्लांट है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। और अभी तक मैं इसका एक भी प्लांट बनाया नहीं, क्योंकि ये प्लांट देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा है, इसका कहीं से कटिंग लेने लायक नहीं है। हो सकता है कि अब अगले साल बनेगा, रेडी होगा, या जो भी या बारिश वरिश के टाइम से जो भी इसका डंडी बड़ा होगा तो मैं इसको ग्राफ्ट करूँगा। और चलिए एक और प्लांट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐसे तो प्लांट बहुत सारे हैं, देख सकते हैं कि कितना प्लांट है छत पर, सभी फूल खिले हैं और धीरे धीरे धूप की वजह से मतलब मुरझा भी रहे हैं। तो एक और मेरे पास प्लांट है, देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर है, क्योंकि लोगों को पर्पल कलर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पल कलर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन में रहे। तो देखिए मैं फूल खोल दिया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर में है या नहीं है, ये तो आप ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे नज़र में तो ये पर्पल कलर लग रहा है, और आपके नज़र में ये पर्पल कलर है या नहीं है वो तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी कलर को कुछ और बोलेंगे और आपके नज़र में वो कलर कुछ और हो, या हम गलत बोल रहे हों या आप सही हो, जैसे भी तो मुझे जानकारी नहीं है कुछ कुछ प्लांट के बारे में, कलर के बारे में। जैसे कि हमको पिछली बार हमको बेबी पिंक कलर के बारे में जानकारी नहीं था, रियल में हमें बेबी पिंक कलर के बारे में जानकारी नहीं था। किसी ने मेरे घर पर मेरी मतलब बेटी ने बोली कि पापा ये बेबी पिंक है, और उसी तरह ये भी है, मतलब कि ये पर्पल कलर होना चाहिए या नहीं, मतलब है या नहीं है, ये तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे शायद मालूम चल जाएगा कि ये पर्पल है या नहीं। तो कुछ ऐसा ही चीज़ है दृश्य। और ये सर शाम का पहर है, मतलब कि अभी कुछ अच्छा रौनक नहीं होता, क्योंकि फूल में सुबह सुबह ही रौनक होती है और शाम के समय में सब धूप झेलकर वो मतलब रूखा सूखा दिखते हैं, तो अट्रैक्शन नहीं बना रहता है। फिर भी एक चाहत रहती है कि अपने छत को घूमा जाए और शाम का पहर छत पर जाकर अपने फूलों को एक साथ देखा जाए, और कुछ कुछ पानी उनी देना है, जो भी मतलब करना है तो आप काम कर सकते हैं। तो बस यही था मेरे अंदर मतलब छोटा सा नॉलेज था कि देखिए मैं छोटा सा अपना गार्डन रखा है और ये अभी सभी प्लांट को प्रूनिंग कर दिया हूँ, और ये कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। एक बार मैं फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा धीरे से दिखाऊंगा कि आपको ये कितना लुक अच्छा दिखेगा, ठीक है। बस वही है, और देख सकते हैं कि थोड़ा सा E4 भी मिली भी मैं छत पर रखा हूँ, अभी ये साइड में करेंगे। और
एक ये देख सकते हैं कि सीड ग्रो प्लांट भी हम जेनरेट की मतलब लगाए हुए हैं, और ये देखिए कलर भी अच्छा निकला हुआ है, प्योर रेड कलर में है, और सीड ग्रो प्लांट बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और हमें जैसे सपोर्ट किए हुए हैं प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है और बहुत ही मतलब अच्छा एरिया है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।